हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आइए, आ सीखते हैं साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालना। साइन 18 डिग्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि साइन 18 डिग्री के वैल्यू के आधार पर हम अदर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। इसलिए साइन 18 डिग्री का वैल्यू, चलिए आइए मेरे साथ सीखिए। इंजॉय द वीडियो, कम ऑन। साइन 18 डिग्री यानी कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? लेट एक्स इक्वल टू 18 डिग्री। क्या मान लिया बच्चों? एक्स बराबर 18 डिग्री मैंने मान लिया। अब इसे मैं गुना कर रहा हूँ 5 से बोथ साइड। क्यों 5 से गुना किए? 4 से क्यों नहीं किए? 3 से क्यों नहीं किए? 2 से क्यों नहीं किए? 1 से क्यों नहीं किए? तो बच्चों, अगर हम 18 को 1 से गुना करते हैं तो 18 होता है। तो साइन से लेकर कॉसेक तक में हमें 18 डिग्री का वैल्यू कहीं भी मालूम नहीं है। 0 डिग्री का वैल्यू मालूम रहता है, 30 का मालूम रहता है, 45 का मालूम रहता है, 60 का मालूम रहता है, 90 का मालूम रहता है, लेकिन 18 डिग्री, 36 डिग्री यानी कि 36 डिग्री, 72 डिग्री, ये सब का वैल्यू कहीं भी नहीं दिया गया है 0 से लेकर 90 तक में। तो बच्चों, इसलिए हम 5 से गुना इसलिए किए क्योंकि अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 18 5 जा क्या होता है? 90 डिग्री। हमें पता है कि साइन कॉस टेन सेक कॉसेक में 90 डिग्री का वैल्यू पता है, ज्ञात है। इसलिए किससे गुना करें बच्चों? 5 से गुना किए। तो 5 को एक्स से क्या हो गया? 5 एक्स। 18 को 5 से कितना हो गया? 90 डिग्री हुआ। बच्चों समझ गए? 5 को हम तोड़ रहे हैं, 2x + 3x क्या हो गया? 90 डिग्री। ये 2x लिख दिए बच्चों, 90 डिग्री माइनस क्या हो गया? 3x। क्या किया बच्चों? 3x को उधर ले गए। अब टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों ओर साइन ले रहे हैं बच्चों। चलिए साइन लीजिए, साइन 2x और साइन 90 डिग्री माइनस 3x। क्या किया बच्चों? दोनों और हम लोगों ने साइन लिया। तो साइन 2x उतार दिए बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो मैंने बच्चों क्या लिख दिया? कॉस 3x, थीटा में क्या था? 3x। अब यहां पर मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हमें पुट करना है, यानी कि साइन 2x का फॉर्मूला। आप लोगों ने साइन 2x का फॉर्मूला इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो देख लीजिए। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x * cos x। अगर भूल गए हैं तो रिवाइज कर लीजिए। साइन 2x क्या होता है बच्चों? 2 sin x * cos x। और cos 3x का क्या होता है बच्चों? 4 cos3x - 3 cos x। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के सभी फॉर्मूला को दिमाग में रखना ही होगा, तभी जाके आप मैथमेटिक्स अच्छी तरह से बना पाएंगे 11th 12th में। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए 2 sin x * cos x। ठीक है बच्चों, देखिए cos यहाँ भी है, cos यहाँ भी है, cos कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचा बच्चों? 4 cos² x - 3। क्या किए? cos x दोनों से कॉमन ले लिए, 4 का 4 बचा, क्यूब था तो स्क्वायर बचा, ये cos तो कॉमन आ चुका है, यहाँ क्या बच गया? 3 बच गया। तो बच्चों यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, इन दोनों cos को हटा देते हैं। क्या बचा बच्चों? 2 sin x, यहाँ क्या हो गया? 4। अब आपको बताना है cos² x का फॉर्मूला 1 - sin² x होता है कि नहीं होता है? होता है, क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं। माइनस कितना है बच्चों? 3। ध्यान दीजिए ऐसा, 2 sin x, 4 को 1 से 4, 4 को sin² x से क्या हुआ बच्चों? 4 sin² x - 3। अब सबको खींच के इधर ले आना है, ध्यान दीजिएगा। -4 sin² x को ये साइड ले आइए, तो 4 कितना हो रहा बच्चों? 4 sin² x, ये क्या है? +2 sin x होगा ना,
चार में चला गया तीन, तो क्या होता है एक, तो इधर प्लस एक होता है, इधर क्या हो गया माइनस एक, इक्वल टू क्या बच गया जीरो। अब देखिए ये साइन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उस फॉर्म में आ रहा बच्चों। तो साइन के क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, मतलब एक्स के जगह में क्या है साइन एक्स है। तो अब हमें पता है, इधर भी डालते बच्चों, देखिए सबसे पहले हमें पता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का, क्या फॉर्मूला था बच्चों, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय क्या होता बच्चों टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एक्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जान रहे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए x की जगह मेरा क्या दिया है साइन x, तो यहाँ हम लिख रहे हैं बच्चों साइन x माइनस बी, देखिए a कौन है, a यहाँ पर चार है, a क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो साइन के साथ में साइन स्क्वायर x में क्या है चार है, ये a हो गया, b कितना है बच्चों टू हो गया, और c क्या हो गया माइनस वन हो गया। चलिए पुट करते हैं, b के जगह में क्या बैठेगा बच्चों टू बैठेगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है बच्चों चार है, और सी कितना है माइनस वन टू ए, ए कितना है बच्चों फोर है। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर माइनस टू प्लस माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ बच्चों प्लस हो गया, फोर फोर जा सिक्सटीन बाय टू फोर जा एट हो गया, माइनस टू प्लस माइनस ये कितना हुआ सिक्सटीन और फोर ट्वेंटी हो गया, ट्वेंटी को हम लिख सकते हैं फोर इंटू फाइव, क्यों नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फोर फाइव का क्या होता है ट्वेंटी होता है, बाय क्या हो गया एट, माइनस टू प्लस माइनस फोर का क्या हुआ बच्चों टू निकल जाएगा स्क्वायर रूट, बाय कितना है एट, इसे भी मिटा देते हैं, यहाँ भी टू है यहाँ भी टू है, तो टू को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव, बाय कितना हो गया एट, और टू फोर जा एट आपको तो पता ही है, आपको क्या सबको पता है। तो बच्चों क्या बचा साइन एक्स का वैल्यू क्या निकला, गौर कीजिए माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाय फोर हो गया। अब एक्स मैंने आपको याद होगा एक्स किसको माने थे 18 डिग्री को, माने थे कि नहीं माने थे एक्स किसको माने थे 18 डिग्री को, तो जहां पर एक्स है बच्चों वहां 18 डिग्री कूट कर देते हैं साइन 18 डिग्री, माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाय फोर हो गया। अब थोड़ा सा गौर करना है 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जीरो से लेकर 90 तक कहाँ तक होता है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो बच्चों यहाँ प्लस माइनस दिया है माइनस को हम नहीं लेंगे माइनस छोड़ देते हैं, ये प्लस माइनस ये तो फॉर्मूला का है उसे रखना है बच्चों, माइनस वन ये हो गया प्लस अंडर रूट फाइव बाय फोर, ठीक है बच्चों। अब इसको उल्टा के लिख दीजिए, माइनस वन है प्लस फाइव है प्लस रूट फाइव है, इसे लिखते हैं रूट फाइव माइनस वन बाय फोर। तो बच्चों ध्यान रखिए साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या निकल गया, ठीक से लिखते हैं साइन 18 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ बच्चों अंडर रूट फाइव माइनस वन बाय फोर, अंडर रूट फाइव माइनस वन बाय फोर, इसे दिमाग में सेट कर लेना है, दिस इज द वेरी वेरी यूजफुल फार्मूला, ये आपके क्लास 11th में भी पूछता है कि प्रूव दैट साइन 18 डिग्री इक्वल टू रूट फाइव माइनस वन बाय फोर। तो बच्चों आप लोगों ने सीख लिया, इसे घर में तीन चार बार इसे बढ़िया से रिवाइज करें और बनाने की कोशिश करें, परीक्षा में आ जाए तो कॉपी कलम फाड़ के लिखना है, ठीक है बच्चों। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो आपके लिए डालूं आप तक फट से पहुंच जाए। बाय बाय, गुड बाय।